आधुनिक भारत में जब हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया बनाने की बात करें, ऐसे में एक गांव की हकीकत जानकर यह बातें महज ढकोसला साबित हो रही हैं। डिजिटल इंडिया तो भूल जाइए, इस काम में आज तक शिक्षा की बुनियाद तक नहीं रखी गई। आजादी के 71 साल के बाद भी यहां बिजली नहीं पहुंची, नहीं पानी की कोई सुविधा है। यही नहीं, मुख्य सड़क मार्ग में महज 500 मीटर की दूरी के इस गांव में पहुंचकर मार्ग तक नहीं बनाया गया। कई किलोमीटर की दूरी तक स्कूल तक नहीं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के निवासी शिक्षा का दर्श झेल रहे हैं। शासन की एक भी योजना का लाभ यहां के ग्रामीणों को आज तक नहीं मिला। जिंदा रहने के लिए लोग यहां से पलायन कर गए। जो बचे हैं वह जंगली लकड़ी और महुआ बेचकर एक वक्त का खाना खाते हैं। प्रशासन के लिए शर्म की बात है। इस इलाके में कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय नहीं है। क्या कोई आया नहीं अभी? यहाँ कोई आता ही नहीं, लोगों को कोई बताते नहीं, वो डराने आते हैं। राशन भी सरकार की तरफ से मिलता होगा? ना ही, इनका नहीं मिलता, वो बड़े आदमी के बने हैं। कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जीरो। किस पे आश्रित हैं लोग? जंगल पे? अब जंगल पे नहीं, अब हम लोग जैसे सब लोग जुड़ गए हैं तब थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे हैं कुछ होगा, इससे कुछ अब विश्वास कर रहे हैं। शासन की तरफ से अभी कहाँ हुआ है? यहाँ जीते थे और जंगल से पलते थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई यहाँ जो गवर्नमेंट शासन जो गरीबों को व्यवस्था करती है। ये तो साहब, ये तो ऐसी ऐसी घटनाएं तो शहरों में होती हैं साहब, अच्छी अच्छी घटनाएं शहरों में नहीं होती, कहीं जंगल बताया जाता है कि डकैत। बस बस इसी तरह से जो अधिकारी अपना काम कर रहे हैं यही बता बतू कर ताल के हैं, जितनी जनता है वो बेचारी मर रही। ये यहाँ जब से आजादी हुआ यहाँ तब से यहाँ रहते थे। कितने परिवार रहते रहे यहाँ? 50 से तो आदमी कम है नहीं रहा। घर रहे हैं यहाँ, घर जो आटा सीधा मिला उसी। राशन आसन सरकार की तरफ से मिलता है? नहीं मिलता यहाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, कब आते हैं? हो गया, जब चुनाव के समय आता है तभी यहाँ आते हैं। लगावा गया नगर पंचायत से कई साल पहले, 10 साल हो गया, और यहाँ पानी के ना कोई व्यवस्था है ना फिर इधर बनवाए, जब से बनवा के गए हैं। कितने फुट? उसी से पानी, उसी से पीते हैं। खेतीबाड़ी पानी? खेतीबाड़ी के लिए कोई साधन नहीं है यहाँ। बरसात बारिश के भरोसे है, जो भगवान भरोसे हो जाता है, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली भी नहीं है, न रोड के भी व्यवस्था है। समस्या यहाँ पर यह है कि ये चित्रकूट नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 का ये वार्ड है, और आज तक यहाँ पर सरकारी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं पहुँचा है। यहाँ तक कि यहाँ के जो रहने वाले जो आदिवासी गरीब परिवार की सुविधा, बच्चों के पढ़ने की सुविधा दी जाए, लेकिन शासन स्तर पर आज तक इसका कोई कुछ भी नहीं हो पाया। तीन लोगों ने स्वयं निर्णय लिया कि अब हम लोग खुद अपने से करेंगे, अपनी मेहनत से 2 पैसे कमाएंगे, उससे स्कूल बनाएंगे और अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। शासन स्तर पर फिलहाल कोई मदद आज तक नहीं मिल पाई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।